ऑक्सीजन स्विच जो है ना वो ऑन है, और यहाँ पे हमारा स्टीम भी रेडी है, मतलब मैं कर ही रहा था अभी प्रेस, बॉयलर भी, वैक्यूम भी, हीट भी, सब कुछ रेडी है। बट मुझे लगता है ना सॉल्वेंट वॉल में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। ये देखो मैं आयरन में इसको स्टीम छोड़ता हूँ ना तो कुछ भी रिस्पांस नहीं हो रहा है, जबकि अगर सॉल्वेंट वॉल आपका अगर ठीक हो तो यहाँ पे कट 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 ऐसा आवाज़ आता है, तो मुझे लगता है कि सॉल्वेंट वॉल गया है, तो इसी वजह से अभी हमारा स्टीम आयरन बंद हो गया है। देखते हैं अभी इसको क्या कर सकते हैं। 2000 years later, जैसा कि आपको मैंने दिखाया ये मेरा सॉल्वेंट वॉल है ना ख़राब हो गया है, आयरन से बिल्कुल भी वो रिस्पांस नहीं दे रहा है। तो ये टेबल मैंने लिया था, दिल्ली से लिया था दोस्तों, बट अभी कुछ मतलब नहीं बनता है क्योंकि 2-2.5 साल इसको हो लेके हो गए हैं, तो सर्विस गारंटी वारंटी शायद 1 साल का ही होता है, तो उसके आगे हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने ग्लोबल वालों से कहा कि मेरे टेबल में सॉल्वेंट वॉल जो है ना वो ख़राब हो गया है, तो उन्होंने 2 सॉल्वेंट वॉल मुझे भेजे हैं। इसी का करते हैं अभी अनबॉक्सिंग, और देखता हूँ मैं अगर मुझे ये चेंज करते आया, इंस्टॉल करते आया तो मैं खुद इंस्टॉल करूँगा या फिर किसी से करवा लूँगा, बट आपके साथ मैं ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करूँगा। और मेरा एक हॉनेस्ट ओपिनियन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों, ये लॉन्ड्री इक्विपमेंट जो होते हैं ना चल जाएंगे ना तो लाइफ टाइम तक कुछ नहीं होगा, बट अगर प्रॉब्लम आ गया ना तो कल भी आ सकता है, 1 साल बाद भी आ सकता है, 2 साल बाद भी आ सकता है, तो अच्छा होगा आप आफ्टर सेल सर्विस की सोचिए, ज़्यादा सोचिए आप आफ्टर सेल सर्विस की ज़्यादा सोचना। अभी मेरा तो ग्लोबल वालों से कांटेक्ट है इसीलिए मेरे पास ये 2 सॉल्वेंट वॉल आ गए, अगर यही मैं दिल्ली में फ़ोन करता तो फिर वो शायद मेरा फ़ोन उठाते नहीं उठाते, उसके बाद में वो भेजते कब भेजते कब नहीं भेजते और कितना चार्जेस लेते मुझसे, और इंस्टॉलेशन के लिए कोई आता या नहीं आता या फिर मुझे ही करना पड़ता, और इंस्टॉलेशन अगर मुझे करना भी है ना तो सामने वाले ने हमें गाइड तो भी करना चाहिए, तो ये विनायक शिंदे सर जी करते हैं, गाइड करते हैं। और जहाँ से भी आप लॉन्ड्री इक्विपमेंट वगैरह लोगे ना तो एक बात ज़रूर ध्यान में रखिए, उनका पूरा पेमेंट कर दीजिए, ऐसा नहीं है कि आपने 10,000, 15,000, 20,000 किसी लॉन्ड्री इक्विपमेंट वाले के बाकी रखे हैं और 1 साल के बाद में 2 साल के बाद में अगर आपके मशीन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो कंपनी आपको कोई भी गारंटी वारंटी नहीं देंगी या कोई भी आपको सपोर्ट नहीं देगी, ये बात ध्यान में रखिए आप, क्योंकि आपने पहले उसके 10-15 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये दिए नहीं है कंपनी वालों को, और फिर वो आपकी गारंटी वारंटी जो भी होगा ना आपका तो वो सारा डैमेज हो जाता है, उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, और 1 साल बाद में 2 साल बाद में आपके अगर इक्विपमेंट ख़राब होते हैं ना तो कंपनी की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और वो खर्चा सारा कुछ आपको ही करना पड़ेगा, बट कंपनी आपको बैकअप भी नहीं देगी, बैकअप नहीं देंगी तो फिर आप क्या करोगे। तो किसी से भी आप सिर्फ ग्लोबल से नहीं कहीं से भी लॉन्ड्री इक्विपमेंट ले रहे हो ना तो उनका 1 रुपया भी बाकी नहीं रखो, क्योंकि आपको आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादा ज़रूरी है। आप कनेक्शन रिलेशन अगर अच्छे रखते हो ना किसी भी कंपनी से तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके, तो ये एक छोटी सी टिप थी, तो ध्यान में रखिए। अभी इसको करते हैं इंस्टॉल, पहले इसको करेंगे अनबॉक्सिंग। तो ये एक सॉल्वेंट वॉल है, ये भी 2 भेजे हैं मेरे एक्स्ट्रा अगर मुझे लगेगा तो पहले मैं ये निकालता हूँ। जो वायर है ना ये दोनों वायर निकालनी है, उसे आएगा और उसके बाद में ये वायर लगा के उसके ऊपर एक कैप भी आएगा, मतलब 100% सेफ्टी हो जाएगा, क्योंकि ये वायर यहाँ पे देख लीजिए एकदम खुली वायर है और हमने उसको इससे ढका तो था, बट अभी ये प्रॉपर कैप भी लग जाएगी ना तो दिक्कत नहीं रहेगी, तो पहले इसकी फिटिंग कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों टेफ्लॉन टेप लगा के मैंने सॉल्वेंट वॉल अच्छे से फिट कर दिया है, अभी इसको हम वायर को इसमें डालेंगे और ये कैप फिट करके
डायरेक्ट फिट ये हो जाएगा। तो दोस्तों वायर हो गई है हमारी इंस्टॉल, अभी भगवान का नाम लेके इसे फिट कर देते हैं और इसमें आएगा हमारा एक स्क्रू, मतलब ये हमारा प्रॉपर फिट हो जाएगा। अभी स्क्रू अभी ये हो गया एकदम से टाइट, तो दोस्तों ये यहाँ से टिक्सो थोड़ा सा लगा दिया है और ये माउंट जो इंस्टॉल तो मैंने कर दिया है, बट भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि ये शुरू हो जाए सही सलामत, वापस खोलने का काम नहीं पड़े। और ये एक्स्ट्रा भी है मेरे पास, अगर फ्यूचर में कभी ये ख़राब होता है तो मेरे पास एक्स्ट्रा है। प्रॉपर इसकी फिटिंग हो गई है, पहले ऐसी फिटिंग नहीं थी, अभी ये कैप भी आने की वजह से ज़्यादा इजी हो गया है सॉल्वेंट वाला लगाना। और एक बात मैं बता देता हूँ कि इसमें मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है, मैंने सिर्फ विनायक शिंदे सर जी ने हमें गाइड किया है और उस तरह से मैंने ये कर दिया है। तो बस यही है, अभी इसको शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके, और शुरू हो गया तो अच्छी बात रहेगी। धन्यवाद दोस्तों। The next day. दोस्तों मैंने सॉल्वेंट वॉल्व भी चेंज किया, बट प्रॉब्लम आयरन में था, तो मनीष यानी जी जोधपुर वाले उन्होंने कहा कि बटन आप मंगवा लो, बट अभी बटन तो ख़राब हुआ है, थोड़ी सी वायरिंग भी डैमेज हुई है, स्पार्क भी हुआ था। तो विशाल सर जी है, इनको मैंने दिखाया कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दिल्ली से आई है चीज़ और नज़दीक में कोई भी नहीं करता है, तो इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस वाला बंदा चाहिए। तो इनको हमने बुलाया और अभी ये सॉर्ट आउट हो रहा है, लास्ट में आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये काम कर रहा है प्रेस आयरनिंग टेबल, तो बने रहिए। तो दोस्तों हमारा टीम आयरन अच्छे से चल पड़ा है, तो ये बटन में ही कुछ दिक्कत थी, वायरिंग में कुछ दिक्कत थी, बाकी सॉलनेट वॉल भी सही था, उसको भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट मैंने वो चेंज कर लिया है तो मुझे भी थोड़ा समझ में आया कि कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी मेरे पास दो एक्स्ट्रा है सॉलनेट वॉल, और ये बटन भी एक्स्ट्रा मैंने मंगवाया है जो विनायक शिंदे सर जी मुझे भेजने वाले हैं, मतलब आगे भी कुछ ख़राब होगा ना तो हम इसको रिपेयर कर पाएंगे। अभी मुझको एक इलेक्ट्रिशियन भी अच्छे से मिल गया है कि जो यहाँ यहीं पर इसका काम कर लेगा। तो बस यही है दोस्तों, छोटा सा अपडेट था और ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर देना, उसके बाद में बेल आइकन आएगा उसे भी क्लिक कर देना। इंपॉर्टेंट लॉन्ड्री के जो प्रोडक्ट होते हैं ना, जो मैं ऑनलाइन मंगवाता हूँ या मेरे नॉलेज में है कि ये सबके लिए यूज़फुल होंगे, तो उसकी ऑनलाइन बाय लिंक हमेशा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, तो जाके आप बाय कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।